हेलो गाइस, वेलकम टू बीबोर्ड। चालू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अल्जीरियाज पार्लियामेंट कन्फर्म डैश एज द न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग रेजिग्नेशन बाय द एलिंग अब्दे अजीज। वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बेंसला। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले इसे कवर किया था कि अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम था अब्दुल अजीज बोतेफ्लिका, इन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। तो अब जो इंटरिम तौर पर अल्जीरिया की पार्लियामेंट ने किसे इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अब्दुल कादिर बेंसला। अल्जीरिया को मैप में देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे, और ये रहा अफ्रीका में अल्जीरिया। अल्जीरिया की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल है इसकी अल्जीरिया, और जो करेंसी है अल्जीरियन दिनार। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड बाय एशियन एथलेटिक एसोसिएशन AAA एज द बेस्ट एथलेटिक कोच इन एशिया फॉर द शॉर्ट हॉल रन कैटेगरी इन 2019। निम्नलिखित में से कौन एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 2019 में शॉर्ट हॉल रन श्रेणी के लिए एशिया में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच के रूप में नामित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एनी नोरेनी। तो AAA एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा इंडोनेशिया की एनी नोरेनी को शॉर्ट हॉल रन कैटेगरी में बेस्ट एथलेटिक कोच इन एशिया का खिताब दिया है। तो किसे मिला है, इंडोनेशिया की एनी नोरेनी को। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ चैट बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स वाया व्हाट्सएप मार्किंग अ ग्लोबल फर्स्ट इन द इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर। निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र में एक वैश्विक पहला स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिरेट्स इस्लामिक। एक पहला ऐसा बैंक जो कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को व्हाट्सएप में। याद क्या रखना है, एमिरेट्स इस्लामिक वो पहला बैंक है जो कि व्हाट्सएप में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये जो एमिरेट इस्लामिक बैंक है, ये कब हुआ था, एस्टैब्लिश्ड इन 2004, और ये एमिरेट्स एनबीडी ग्रुप का एक पार्ट है। और ये यूएई में फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक भी है, तो ये भी याद रख सकते। डैश हैज़ बिन नेम्ड एज द विजडम अलमैक लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। डैश को विजडम अलमैक के लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। तो विराट कोहली जी को विजडम अलमैक लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ ही साथ टॉप फाइव क्रिकेटर के रूप में जो नाम था उसमें भी नामित किया गया है। तो विजडम अलमैक एक यूके की बहुत ही फेमस मैगजीन है जिसे बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो इन्होंने किसे लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है, विराट कोहली को। और अगर वुमेंस की बात करें तो स्मृति मंदाना, जो कि वुमेंस टीम की ओपनर है, उन्हें वुमेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से नवाजा गया है। अगर T20 की बात करें तो उस कैटेगरी में राशिद खान को नामित किया गया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लेम्ड द टॉप स्पॉट विद द एवरेज AUM ऑफ 3.42 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस संगठन ने औसत AUM के साथ 3.42 ट्रिलियन का दावा किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड। एमफी के अकॉर्डिंग जो इंडिया की AMC हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनके पास जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो कितना है, 24.46 ट्रिलियन। और इसमें जो टॉप एवरेज AUM है वो किसने क्लेम किया है, वो क्लेम किया है HDFC एसेट मैनेजमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, जो कि है 3.42 ट्रिलियन। और इसने ओवरटेक किसे किया है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज रिटेन द इंटरेस्ट रेट फॉर GPF जनरल प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड अदर रिलेटेड स्कीम्स आर डैश फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सामान्य भविष्य निधि GPF अंशदायी भविष्य निधि और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए ब्याज बरकरार रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 2019-20 का जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उसके लिए जो GPF जनरल प्रोविडेंट फंड और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और इससे रिलेटेड अदर स्कीम्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रखा है, कितने पे, 8% पे, 8% पे। तो 8% पे फिक्स कर दिया है क्या, GPF कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल ईयर। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द विजडम
अलमैक लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, निम्नलिखित में से किसे विस्टन अलमैक के अग्रणी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना। तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि विस्टन अलमैक ने जो रैंकिंग निकाली उसमें लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? विराट कोहली को। और लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? इंडिया टीम की ओपनर स्मृति मंदाना को। एस्ट्रोनॉमर हैज टेकन द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ए ब्लैक होल व्हिच इज लोकेटेड इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी नोन एज डैश। खगोलविदों ने एक ब्लैक होल की पहली छवि ली है जो कि डैश के रूप में जानी जाने वाली दूर की आकाश गंगा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसियर 87 या फिर M87। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पहली इमेज ली है ब्लैक होल की जो कि बहुत ही दूर एक गैलेक्सी है उसमें ये लोकेटेड है, और इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मेसियर 87 या फिर M87। इसे 8 टेलीस्कोप के नेटवर्क से कैप्चर किया गया और उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये जो गैलेक्सी है वो कितनी दूर है? 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। आगे देखते हैं। Who among the following has been appointed as the first Chief Justice of the newly constituted Andhra Pradesh High Court? निम्नलिखित में से किसे नवगठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम नाथ। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि 25th जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, और इसमें जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे उनका नाम था छागरी प्रवीण कुमार, लेकिन अब जो इसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे विक्रम नाथ। आगे देखते हैं। India's population grew at an average annual rate of dash between 2010 and 2019 to 1.36 billion according to a report by the United Nations Population Fund UNPFA. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPFA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2019 के बीच भारत की जनसंख्या औसतन डैश की दर से बढ़कर 1.36 बिलियन हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1.2%। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जो एनुअल रेट है किस से कितने परसेंट बढ़ी है? 1.2% से इंक्रीज़ हुई है 2010 से लेकर 2019 के बीच में, और कितनी हो गई है? 1.36 बिलियन जो कि चाइना की जो एनुअल ग्रोथ रेट है उससे डबल है। ये किसने रिपोर्ट की है? UNPFA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अगर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है नटालिया कनेम। 10th अप्रैल का रिवीजन करते हैं अपन। गुवाहाटी रेलवे पहला स्टेशन बना है जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। US ने डिक्लेयर किया है ईरान की फोर्स को एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति, उसका 6th एडिशन कंक्लूड हुआ। इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश में। IIT मद्रास ने टॉप किया है HRD की नेशनल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट में। इंडिया जो है वो हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस बन चुकी है 2018 में, कितने बिलियंस के साथ? 79 बिलियंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। RBI ने नॉर्म्स इशू करे हैं कि वो बैंक्स को कि वो नए करेंसी चेस्ट बनाएं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10th अप्रैल को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना हो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर।